नमस्कार, मैं ज्योति पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का इंडिया समाचार में। तो चलिए रुक करते हैं कुछ बड़ी और कुछ अहम खबरों से। मुंबई महानगर पालिका का HDFC बैंक के अवैध अतिक्रमण पर चला हथौड़ा। पालिका एम ईस्ट गोवंडी में नीलकंठ भवन में HDFC बैंक के अंधकृत बिल्डर पर दरार। ईस्ट मुंबई के गोवंडी परिसर में नीलकंठ भवन में HDFC बैंक के अंधकृत बिल्डर को पालिका एम ईस्ट कार्यालय द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। गोवंडी में नीलकंठ भवन में नेशनल HDFC बैंक है। दुकान का मालिक समीर राम सिघानी है। उनके पास नीलकंठ भवन में 10 और 11 नंबर की दो दुकानें हैं और उन्होंने HDFC बैंक में दुकान संख्या 10 और 11 को किराए पर दिया है। मालिक ने अनौपचारिक रूप से किसी भी आंतरिक निर्माण के लिए नगर पालिका से बिना किसी अनुमति के चेंज ऑफ स्ट्रक्चर में बदलाव किया, जिसके बाद बहुमुंबई महानगर पालिका के MST विभाग ने नोटिस 53(1)(3) अधिकृत निर्माण के लिए MRTP अधिनियम के तहत जारी किया गया। कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद अधिकृत निर्माण निगम के सहायक अभियंता ने मालिक को MRTP अधिनियम 53(3) के तहत नोटिस जारी किया। नगर निगम की सहायक अभियंता आज उन्होंने HDFC बैंक में अधिकृत निर्माण पर कार्रवाई की। ये गोवंडी की मेन शाखा है। यहाँ पर मार्च महीने में लॉकडाउन के पहले MRTP की नोटिस दी गई थी, क्योंकि इन लोगों ने इनलीगल तरीके से, आज देखा है जब बैंक पूरी इनलीगल तरीके से ही चल रही है, आज यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नीचे जो बेसमेंट में इन्होंने तिजोरी बनाई है, ऑफिस बनाया है, वहाँ पर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो भागने के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने सीढ़ी भी इनलीगल बनाई है और दो दुकानों को एक करके उसको एमलगेशन बोलते हैं, एमलगेशन करके एक किया। एक करने के बाद इनको बहुत सारी रॉयल्टी देनी पड़ेगी BMC को, लेकिन ये रॉयल्टी बचाने के लिए ये हाईकोर्ट भागे। हाईकोर्ट में जज कातावाला ने इनको बोला था कि भाई आपका मैं स्टे वेकेट करता हूँ, आप UD में जाओ, यानी अर्बन डेवलपमेंट नगर विकास। ये वहाँ पर उन्हें सिर्फ एक एप्लीकेशन देख कर छोड़ दिया, वहाँ कोई केस चलाया नहीं। हालांकि इनको वहाँ चलाना चाहिए था, वहाँ से रेगुलराइज होने के बाद ही आ सकते थे। ये जानबूझ के बिल्डिंग परमिट को कम से कम एक 20 टाइम इन्होंने रेगुलराइज के लिए एप्लीकेशन दिए, लेकिन रेगुलराइज के लिए फायर ब्रिगेड की NOC, उसके तहत बैंक श्योरिटी, वो सब देनी पड़ती है, वो कोई भी चीज़ पूरी नहीं कर रहे। हाँ, महानगर पालिका ने आज से एक महीना पहले भी कार्रवाई की थी। अब क्योंकि वो मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण आज फिर इनका जो अपील है वो कोर्ट में ऊपर आई नहीं, क्योंकि खुद कोर्ट कुछ जानता है कि ये आदमी यहाँ खाली टाइम पास कर रहा है। लेकिन अभी ये मालूम पड़ा है कि उनको शाम के टाइम कुछ स्टे मिला है, भाई एंट्री मॉडल मिला है कि थोड़े इनके डेमोशन रुका दे, लेकिन अभी 50% कार्रवाई हुई है। वो स्टे के बाद डेमोशन रुक गया? हाँ, अभी स्टे, अभी एंट्री मॉडल दिया, भाई टेम्पररी इनको रुकाया जाए।